हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में और आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और मैं इस समय पे हूँ असम में और एक झाजी करके लोकेशन है वहीं पे मैं हूँ और ये गांव है बेसिकली। और एक भाई साहब ने हमें जो लिफ्ट दिए थे उन्हीं के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ और काफ़ी अच्छा इनका गाँव है, काफ़ी अच्छा लगा। और मैं उसका एक अलग वीडियो शूट कर दिया हूँ तो आप लोग जाके उस वीडियो को भी देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोग को। काफी अच्छा लगता है जब कोई ऐसे हम लोग को सम्मान वेलकमिंग करता है तो बहुत ही अच्छा फील होता है। अभी का सीन ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं मेघालय साइड और अभी लिफ्ट मांगने के लिए आ चुके हैं NH पे, नेशनल हाईवे पे, और अभी मांगते हैं लिफ्ट और अपनी जर्नी को शुरुआत करते हैं। हम लोग को मिल चुके हैं, ये भाई ने हमें दिया है। भैया कितने किलोमीटर का लिफ्ट दिए हैं आप? हम तो अभी देगा 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर का? और कहाँ तक जाएंगे आप? हम तो जाएगा जोरहाट सीनामोड़ा तक। सीनामोड़ा जोरहाट तक भैया ने लिफ्ट दिया। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम मुश्ताक अली। मुश्ताक अली है। और भैया ने हमें एक बार इस रोड पे हमने 2-3 मिनट तक लिफ्ट मांगने की कोशिश की और भैया ने रोका और काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। और आपने हमें इतना दूर तक का सफ़र जो तय कराया और आपने हमें लेके जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने हमें हेल्प किया, कुछ बोलना चाहेंगे आप? मेरा बात यही है, हाँ हाँ, सबको लिफ्ट देने से हमें अच्छा लगता है। वो कोई दिक्कत होने से हम लिफ्ट देता है। आजकल आसाम में तो यही बहुत लोग आता है, हम तो बहुत लोग को लिफ्ट दिया है। बहुत लोग को लिफ्ट दिया है तो जो भैया ट्रक वाले लिफ्ट दिए थे जैसे ही उन्होंने ड्रॉप किया जोरहाट में और भैया बस ऐसे ही हैंड किया और तुरंत ही भाई साहब ने उन्हें लिफ्ट दे दिया। और ये भी अपने साइड के हैं, बिहार साइड के। आपका नाम क्या है भैया? राजेंद्र राय यादव हैं भैया। और हमें कितने किलोमीटर का लिफ्ट दिए हैं? 150 किलोमीटर का लिफ्ट दिए। थोड़ा सा गुवाहाटी से इधर रहेंगे, अभी गुवाहाटी पहुंचेंगे और गुवाहाटी से हम लोग जाएंगे मेघालय के साइड में। और आप लोग को 120 किलोमीटर वहाँ से गुवाहाटी 120 किलोमीटर पड़ेगा जहाँ से भैया हम लोग को ड्रॉप करेंगे, ठीक है? तो काफ़ी मज़ा आ रहा है मिलके आपसे, बहुत अच्छा लगा, आपने हमारी जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, चलिए थैंक यू सो मच भैया। तो हम लोग इससे पहले नौगांव और अमोनी करके एक लोकेशन है, यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट ढाबा है और आज रात हम लोग यहीं पर रुकेंगे। और जस्ट ये देख रहे हैं तिलक और इधर साइड ये हाथ में अभी नया रक्षा ये पंडित जी ने बांधा, ये पंडित जी से भी चलते हैं मिलाते हैं आप लोग को। ये पंडित जी हैं जिन्होंने ये तिलक लगाए। ये क्यों करते हैं पंडित जी, या रक्षा वगैरह क्यों बांधते हैं? देखिए, इसको कलावा बोलते हैं, रक्षा सूत्र बोलते हैं, जो हमारे सनातन धर्म में सभी बांधता है। चंदन लगाते हैं माथे पर, हम लोग को सनातन धर्म का मेन प्रतीत है। इसको लगाने से अपने माथा को शांति भी रहता है और दूसरे को देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, आकर्षक करता है। हम लोग अपने सफर के दौरान चल रहे थे, ये हम लोग की ट्रक है और यहाँ पे पेट्रोल ले रहे थे, ठीक है? कुछ देर के लिए रुके थे तब तक इस्मानंद दा का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि हमारे एक फ्रेंड है, कलीग है, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो हमने बोला ठीक है, तो इनको यहीं के रहने वाले हैं और चलिए इनसे आपको मुलाकात कराते हैं। ये भैया है। ओके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कार्तिक कुमार प्रसाद है, हम खेती के रहने वाला है। और बोलिए, ये भैया ने हम लोग के लिए कुछ लाया है और काफ़ी आप लोग से मिलकर अच्छा लगा, जो हमको भी बहुत अच्छा लगा मिलकर के बारे में। और अभी हम लोग अपना सफ़र हम लोग का चल रहा है और ऐसे भैया जैसे लोग मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा फील होता है। और हमारा ये जो आपने जो हम लोग कर रहे हैं, कैसा लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा है, मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। और विदाउट मनी ट्रैवल जो कर रहे हैं ना, वो भी अच्छा लगा हमको। और हम लोग को इंडिया में आके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत यहाँ का आसाम का जो कल्चर है, यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे से वेलकमिंग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है उनसे मिलके। ऐसा नहीं फील हो रहा है कि हम लोग कहीं और पे अपने घर छोड़ के, सब जैसा घर ही जैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आ चुका है जो भाई के साथ हम लोग 24 घंटे रहे हैं उनसे बात कराने का, ये भैया है जिन्होंने हमें जोरहाट से लिफ्ट दिया था ना भैया। और यहाँ पे कहाँ पे ड्रॉप किए आप? ये खेतरी सोनापुर। कितना किलोमीटर का टोटल लिफ्ट आपने दिया होगा हमारे, कितना जर्नी का हेल्प किया होगा आपने? 350 किलोमीटर का लिफ्ट, 350 किलोमीटर, सॉरी 350 किलोमीटर का भैया ने लिफ्ट दिया था। और हमें 2 टाइम खाना, 3 टाइम सॉरी खाना खिलाया, काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ। और
और हम लोग ऐसे ही लोग मिलते रहते हैं तो काफी अच्छा लगता है। अच्छा, हम लोग से कोई आपको दिक्कत नहीं? बहुत अच्छा लगा, मजा आया, बहुत मजा आया। और आप अपने मतलब जो साथी हैं आपके ट्रक भाई जो है, जो हम लोग ऑलमोस्ट सारे लोग से कहना चाहेंगे, जो भाई भी ऐसे यात्रा पे निकले उनकी मदद कीजिए, जहाँ मिले अगर लिफ्ट दीजिए, अगर लिफ्ट मांगेंगे तो जहाँ तक जितना मदद कर सकते हैं आप करिए। और ये आप, मैं ये एक छोटा सा और पूछूंगा, जो ट्रक का जीवन होता है वो कैसा होता है घर से ट्रक का, मतलब बताइए कुछ छोटा सा, कुछ छोटा क्या सा बता? हम लोग का लाइफ ही अलग है, अलग है ना, घर से बाहर रहना, घर से बाहर ही रहना। अभी आप होली इस बार क्या बाहर मनाए थे कि घर यहीं पर मनाए थे? आसाम में ही, आसाम में ही मनाए थे, तो घर पे नहीं गए थे? नहीं, घर पे। याद तो आ रही होगी आपकी? याद तो आएगी, घर से बाहर रहेगी। तो भैया के साथ काफी अच्छा लगा, बड़े भाई की तरह काफी इंजॉय किए इनके साथ, और फील घर जैसा आया इनके ट्रक में। हम लोग एक रात सोए भी थे और काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर। ऐसा है कि हम लोग आ चुके हैं जो शिलांग के लिए, जहाँ से रास्ता कटता है इधर साइड में शिलांग जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, एक भाई साहब ने हमें लिफ्ट दिया था जो टाइटो आर्टिस्ट थे, और उन्होंने बोला कि कैमरे के साथ मैं नहीं आ सकता। तो बोले कोई बात नहीं, हमको यहाँ पर उन्होंने ड्रॉप किया, और अभी ये जो आनंद ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हरासमेंट टाइप का था, तो ये काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। देख रहे हैं ये बड़ा सा ये ऐसा गेट, यही है मेघालय का बॉर्डर। यदि आप लोग उधर साइड में जाते हो तो आप लोग असम में जाते हो, और ये जैसे ही पुल क्रॉस करोगे ये मेघालय में आता है, और कुछ ऐसा मेघालय का सीन है अभी। और हमने जोराहाट से सीधे मेघालय में आ चुके हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी अभी देखते हैं हम लोग की जर्नी कहाँ तक चलती है और आज का डेस्टिनेशन क्या होता है। अभी कोई प्लान नहीं किया हम लोग, बट बहुत जल्दी ही प्लान करेंगे। अभी लिफ्ट मांगने की सिलसिला चल रहा है, आप देख सकते हैं ये लिफ्ट मांग रहे हैं अभी। अभी इधर साइड से कोई गाड़ी जैसे ही आए वैसे कोई लिफ्ट मांगते हैं। इससे तो हम लोग आ चुके हैं मेघालय में और काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों, और हम लोग की जर्नी अभी चल रही है। अभी रात को सोने के लिए कोई ऐसा लोकेशन अभी हम लोग चूज नहीं किए हैं, और अभी शाम के बज रहे हैं 7, सॉरी अभी शाम के बज रहे हैं 4, और अभी तक मैंने कोई लोकेशन चूज नहीं किया है। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी थोड़ा सा, और अभी हम लोग को 100 किलोमीटर और आगे जाना है, फिर स्टे का सोचेंगे, ठीक है। अभी 100 किलोमीटर और आगे जाए फिर कोई देखते हैं लोकेशन जहाँ पर हम लोग टेंट लगाएंगे आज। अभी फिलहाल यही चल रहा है। और फाइनली दोस्तों हम लोग को यहाँ से लिफ्ट मिल चुका है, और ये जो जनाब है जो गाड़ी चला रहे हैं ये भी वीडियो शूट करने के लिए मने कर दिए हैं। बोले हैं कि आप ऐसे शूट कर सकते हैं बट वीडियो न शूट करिए, ठीक है। कि हम लोग जस्ट अपना समय आप लोग से बताए थे, जैसा कि हम लोग को कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है तो हम लोग कहाँ पे रुकेंगे, ठीक है। और ट्रेवल हम लोग जब आपसे बात हो रही थी, जैसे मैं हम लोग मेघालय का बॉर्डर क्रॉस किए उससे 80 किलोमीटर आगे हम लोग आया, और इधर साइड में एक पेट्रोल पंप है जो कि ये भाई जी है राजस्थान के साइड के, तो हमने इनसे बात किया और इन्होंने हमें अलाउ किया रहने के लिए, और काफ़ी अच्छे से व्यवस्था की उन्होंने हमारे लिए, भी खाना भी बना रहे हैं। और ये देख सकते हैं ये जो ट्रक है इसके ऊपर एक प्लास्टिक लगा गया है, और इसे हम लोग सेटअप किए कि बारिश ना हो। पता है आपको मेघालय में ऑलमोस्ट हरदम बारिश होने लगती है, उसका कोई लिमिट नहीं है कि कब बारिश होने लगती है, तो इसलिए हम लोग पूरा प्रॉपर सेट किया कि बारिश ना हो, टेंट के अंदर ना जाए, क्योंकि जो आदित्य का टेंट है वो वाटरप्रूफ नहीं है। हम लोग का टेंट तो हमारा से वाटरप्रूफ है बट इसके लिए लगाना पड़ता है। और ये जगह की बात करूँ तो भैया बताएंगे, भैया ये कौन सा जगह है? यहाँ पे ठहरने के लिए बात किया अपने मैनेजर से, तो उन्होंने बोला कि ठीक है यहाँ पे रुक सकते हो। और आपका नाम क्या है? हमारा नाम निकी बॉय है। निकी बॉय, ओ नाइस नेम। और यहीं पे भैया रहते हैं पेट्रोल पंप पे, और काफी इनसे मिलकर अच्छा लगा, और आपने जो हमारे लिए हेल्प किया उसके लिए थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर के लिए? थैंक यू फॉर योर सपोर्टिंग पोएम, दैट्स इट ऑल आई वांट टू से। थैंक यू सो मच। और इनका थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज का इशू होता है इधर साइड में, है ना?
तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और काफ़ी अच्छा लगा इन लोग से बात करके, और हमें क्या आज रहने के लिए व्यवस्था भी मिल गया, और अभी चलते हैं फ्रेश होने के लिए। और काफ़ी अभी पता है आप लोग को कि ये जो तिरपाल, ये जो देख रहे हैं इधर साइड में जो तिरपाल, वो लगाने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्दा था, तो उसमें डस्ट भी काफ़ी चेहरे पर आ चुके हैं। और अभी चलते हैं, आपको टेंट भी दिखाते हैं। यहाँ पर हमने टेंट लगाया है, वो आदि भैया का, ये मेरा है, और ये जो लगाए हम लोग बेसिकली ट्रक में लगाए हैं, ठीक है। और इधर साइड में देख सकते हैं कितना इसमें कबाड़ पड़ा हुआ है ये ट्रक में, तो इसीलिए हम लोग ये नीचे एक 3 लेयर का त्रिपाल लगाया, जिससे प्रॉपर ये हम लोग का टेंट सेफ में रहे। और ये जो देख रहे हैं इनके में रेन कवर नहीं है, तो इनके में बारिश आ जाता है थोड़ा सा, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग को वही लोकेशन चूज करना पड़ता है जहाँ पे कुछ ऊपर से रहे, जिससे कि पानी डायरेक्ट इस पर ना आए, ठीक है। थोड़ा मोटा तो झेल लेते हैं, बट ज़्यादा होता है तो नहीं झेल पाता है, तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। बट ये सेटल हो जाने के बाद ऑलमोस्ट बहुत मज़ा आ रहा है। और इधर साइड में देख सकते ये सेटअप हो गया हम लोग का, ठीक है। और ये भारत यात्रा वाला हम लोग इधर साइड में रख दिए हैं। और एक और सीन ऐसा था कि मैं आप लोग को पता है थोड़ा सा मेरा वॉइस क्वालिटी सही नहीं आ रहा था, बीच में क्या हुआ कि मेरा ये टूट गया था, तो अभी इसे एमसील होता है, उससे हम लोग अभी एक जोड़े हुए हैं कि ये सही से चिपक जाए, सड़ जाए, तो आपको वॉइस क्वालिटी भी बेटर मिलेंगी। हम लोग आ चुके हैं जिस पेट्रोल पम्प पर, उसमें हम लोग जाएँगे खाना बनाने के लिए। ये बगल में किचन है, तो बना रहे थे, तो हमने बोला क्यों ना हम उसमें हाथ बटाए, और बोले कि हम बना रहे हैं चिकन, आप लोग खा के देखिए कि इधर हम कैसे बनाते हैं चिकन, और हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार में कैसे चिकन बनते हैं। तो वही मैं अभी जा रहे हैं बनाने, और आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा प्लीज़। और आप लोग को वाकई में ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा, और मेरे चिकन जो वो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त लगेगा, तो प्लीज़ इसे फुल वीडियो को वॉच करिए। थैंक यू। पहले मैं बता दूँ आप लोग को कि ये प्याज है, और ये टमाटो, और इसमें पेस्ट में बनाया हूँ लहसुन और मिर्चा का, और ये पेपर है जो कि तेज पत्ता है, और इसमें अदरक नहीं है, बट कोई इशू नहीं है, इसके जगह पे ये काम कर देगा, ठीक है। और ये अपना कुकर है, ठीक है। और हम जो चिकन बनाने वाले हैं वो 1 kg है, तो उसके अनुसार से मैं यहाँ पे काटा हूँ। इसमें तेल मैं डाल दिया हूँ अभी, इसे जब तक गर्म नहीं होगा इसमें कुछ भी नहीं डालूँगा, पहले गर्म होने का वेट करते हैं, ठीक है। और इसे मैं अभी फिलहाल मैं फुल फ्रेम पर बना रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं प्याज डाल चुका हूँ, ठीक है। और प्याज मैं तब तक भूनूंगा जब तक हल्का सा ब्राउन जो होने लगेगा, तब तक मैं भूनूंगा इसे, और फिर जो आगे का प्रोसेस होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देख रहे हैं हमारा मसाला मैं डाला हूँ, इसमें गरम मसाला और थोड़ा सा खड़ा मसाला कूट के, जो ऐसे नहीं होता जो पैकेट का मिलता है, उसे मैं डाला हूँ, और हल्दी, रेड चिली पाउडर, ठीक है, बस इतना ही डाला हूँ। अभी इसको थोड़ा सा पानी में डालूंगा, भिगोऊंगा, उसके बाद इसमें डाल। हमारा दोस्तों मसाला भून रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो मसाला में भूनने की प्रक्रिया है वो काफ़ी स्लो फ्रेम पे, देख सकते हैं ये जब सबसे लास्ट जो फ्रेम होता है वो मैं किया हूँ, क्योंकि मसाला भूनते समय जितनी आप धीरे धीरे भूनोगे उतने इसका ग्रेवी अच्छा होगा, ठीक है। अभी हम टमाटो भी यहाँ पर डालेगा इसमें, ठीक है। हमारा चिकन आ चुका है धुल के, ठीक है। और ये 1 kg है, और 1 kg के लिए जो मैं ग्रेवी मसाला बना रहा हूँ 1 kg के लिए, ठीक है। फर्स्ट अभी अपना जब मसाला मेरा भून गया था, तो मैं अभी चिकन को डाला हूँ, और चिकन को तब तक जब तक ये थोड़ा सा, ये जो देख रहे हैं ये चीज़ थोड़ा सा बाहर, मतलब ये फूटने जैसा, ये जो एक दूसरे को छोड़ देगा, ठीक है, तो तभी तक इसे भुना जाएगा। और अभी आपको शुरू से अंत तक प्रोसेस आपको पता ही चल रहा है कि मैं कैसे बना रहा हूँ चिकन, और आप बताएं कि हम लोग ऐसे चिकन बनाते हैं, बट मैं ऐसे ही बनाता हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। चिकन के लिए इसमें पानी डाल दिया हूँ, जो हमारी ग्रेवी बन गई है, ठीक है। मैं अपने अनुसार से, हम लोग 5 लोग हैं, तो उसके अनुसार से हम अपनी ग्रेवी बनाए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी यदि बनाते होंगे तो अपने अनुसार से ग्रेवी अपना देख लीजिएगा, और नमक की बात करूँ तो अपना स्वादानुसार जो भी आप नमक लेते हैं उसका अनुसार से डाल दीजिएगा, ठीक है। बनकर तैयार हो गया, और सॉरी मैं खा भी रहा हूँ। और ये देख सकते हैं अभी भैया से पूछते हैं कैसा लगा आपको। आप बताओ, सीरियसली सुपर अच्छा बना है ना। और इधर साइड में एक अंकल बैठे हैं, आपको कैसा लगा भैया? सच सही है, आसामी में बोलो, आसामी में भी बोल सकते हो, आसामी में वो खसी में बोलेगा, बोल खसी में बोलेगा, अपनी लैंग्वेज में बता, अपनी लैंग्वेज में बताओ कि कैसा बना है। बढ़िया, ओह थैंक यू। और ये भैया कैसा बना है? सही बना है, ओनली स्मेल ऑल्सो, उसका क्या ग्रेवी करी ना सब्जी, बहुत अच्छा जैसा पिया ना जैसा सूप। ओह थैंक यू सो मच।